पुलिस ने लाखों रुपए के गांजा के साथ एक को किया गिरफ्तार। मामला सुपौल सदर थाना क्षेत्र के करीहू वार्ड नंबर 11 का है। सदर पुलिस ने टीम गठित कर छापेमारी की, जिसमें गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर लाखों की गांजा सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि सदर थाना क्षेत्र के करीहू वार्ड 11 से देवेंद्र साह के घर से 8 पैकेट में लाखों रुपए की गांजा बरामद की। जो आटा चक्की मिल चलाने का भी काम करता है, उसी मिल वाले घर में गांजा छुपा कर रखा हुआ था। देर रात गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की है। पुलिस इस मामले में दो लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है, जिसमें एक व्यक्ति देवेंद्र साह को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट बलराम कुमार, सुपौल, बिहार। गांजा पकड़ा है। ये गांजा ग्राम करियो वार्ड नंबर 11 रामचंद्र देवेंद्र साह के घर से बरामद हुआ है। मिल वाला घर है, आटा चक्की का मिल, उसके पीछे ये छुपा कर रखे हुए थे। इस संबंध में शाम में गुप्तीय सूचना मिली, वेजल को भेज करके वहाँ विधिवत इसका तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में 8 पैकेट में कुल 7 किलो और कुछ ग्राम गांजा मिला है, जो कि एकदम पूरा पैक किया हुआ है। ये लगता है बाहर से ला करके बराबर बेचते हैं। इनके द्वारा बताया गया कि इनका लड़का राकेश शाह वो लाया है। कहाँ से लाता है ये इस संबंध में पता किया जा रहा है। FIR कितने पर हुए सर? FIR 2 आदमी पर हुआ है। गिरफ्तारी एक आदमी देवेंद्र साह की गिरफ्तारी हुई है।